पता है कि मैं खुश बहुत रहता हूँ, लेकिन पोइट्री सैड लिखता हूँ, क्योंकि पता नहीं वो मेरे से जब भी लिखता हूँ ना वो सैड ही जाता है जब भी लिखता हूँ। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि पहली सी मोहब्बत मैं जताऊँ कैसे। जैसे एक कन्वर्सेशन है, किसी को डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ मैं, लिखा है जस्ट, पहली सी मोहब्बत मैं जताऊँ कैसे, बदलते इस वक्त से मैं खुद को बचाऊँ कैसे। कह दिया अब किसी और ने है अपना मुझको, कह दिया अब किसी और ने है अपना मुझको, उम्मीद का महल वो उसका मैं गिराऊँ कैसे, उम्मीद का वो महल मैं उसका गिराऊँ कैसे। तकलीफ पता है तुम्हें भी एक उम्मीद टूटने की, तकलीफ पता है तुम्हें भी एक उम्मीद टूटने की, इस ख्वाब को मैं हकीकत बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे, इस ख्वाब को मैं हकीकत बनाऊँ तो बनाऊँ कैसे। और जिस शख्स को दिखती ही नहीं खामियाँ खुद में, जिस शख्स को दिखती ही नहीं खामियाँ खुद में, उस शख्स को आईना भी दिखाऊँ तो दिखाऊँ कैसे, उस शख्स को आईना भी दिखाऊँ तो दिखाऊँ कैसे। और सहरा और डोली खुशियों से सजे हैं दोनों, सहरा और डोली खुशियों से सजे हैं दोनों, खुशी भी इस गम की मैं मनाऊँ तो मनाऊँ कैसे, खुशी भी इस गम की मैं मनाऊँ तो मनाऊँ कैसे। और वो मिलकर भी मिलाता नहीं नजरें, और वो मिलकर भी मिलाता नहीं नजरें, गिले सिकपे भी मिटाऊँ तो मिटाऊँ कैसे, गिले सिकपे भी मिटाऊँ तो मिटाऊँ कैसे। और हर कोई मिलकर भी तुझे पूछता है, हर कोई मिलकर भी उसे ही पूछता है, अब नाकामी है इश्क मैं जताऊँ तो जताऊँ कैसे, नाकामी है इश्क मैं जताऊँ तो जताऊँ कैसे। एक शख्स, और जिस शख्स को जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा कहता है कि हाँ मुझे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लड़कों में अक्सर होता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो वही है कि एक शख्स को कभी मुमकिन था सब कुछ, एक शख्स जिसे मुमकिन था सब कुछ, अब उस शख्स को अंधेरे से बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे, अब उस शख्स को अंधेरे से मैं बचाऊँ तो बचाऊँ कैसे। और कुछ ऐसा इस वक्त ने फंसाया है मुझको, और कुछ ऐसा अब इस वक्त ने फंसाया है मुझको, ना सोचा उसी मोड़ पर ठहराया है मुझको, ना सोचा उसी मोड़ पर ठहराया है मुझको। और ये सांस जो हर रोज़ लौट आती है, और ये सांस जो हर रोज़ लौट आती है, न जाने कितनी दफ़ा आज़ादी से मिलाया है इसको, न जाने कितनी दफ़ा आज़ादी से मिलाया है इसको। और इन्हें भी बस नई नई है मोहब्बत हमसे, जिस सांसों की बात कर रहा हूँ कि इन्हें भी बस नई नई है मोहब्बत हमसे, कभी कोई तो बेवफा होगा, या तो मैं या फिर सांसें, कभी कोई तो बेवफा होगा, छोड़ ही देगी ना तड़पने के खातिर मुझको, होगा भी तो इससे ज़्यादा क्या होगा, होगा भी तो इससे ज़्यादा क्या होगा। बस यही एक डर है मुझको कि मौत बस बेवफाई ना करे, यही एक डर है मुझको कि मौत बस बेवफाई ना करे, गले से लगा ले मुझको मेरे ज़ख्मों की सिलाई ना करे, गले से लगा ले मुझको मेरे ज़ख्मों की सिलाई ना करे। और जब मौत आएगी तो प्यार से समझाऊँगा उसे, अब जब मौत आएगी तो प्यार से समझाऊंगा उसे कि जिस शख्स को हो मोहब्बत उससे, उस शख्स से यार बेवफाई ना करे, उस शख्स से यार बेवफाई ना करे। और आखिरी लाइन है कि जिस शख्स को हो मोहब्बत उससे, उस शख्स के यार बेवफाई ना करे, यार अब कोई मेरे ज़ख्मों की सिलाई ना करे, यार अब कोई मेरे ज़ख्मों की सिलाई ना करे। और ऐसी एक मेरी पोइट्री है फेमस, वो मैंने लिखी थी जस्ट अ कन्वर्सेशन, ना हम भी भगवान से बातें करते हैं, मोस्टली करते होंगे लोग। अच्छा ब्रोकन कितने लोग हैं यहाँ पे, मतलब मैं तो नहीं हूँ, पूछ रहा हूँ जस्ट, सारे हैं बट बताएगा कोई नहीं, है ना, ठीक है। तो वही एक कन्वर्सेशन है हमारी और गॉड की, कि कभी तो कोई साथ दे, कभी तो कोई मेरे पास ठहर जाए, कभी तो कोई साथ दे, कभी तो कोई मेरे पास ठहर जाए, मैं थक गया मुस्कुराते चेहरों में उदासी छुपा कर, मैं थक गया मुस्कुराते चेहरों में उदासी छुपा कर, एक रोज़ तू तबाह कर दे मुझे, या एक रोज़ यूँ ही मेरी सांस ठहर जाए, या एक रोज़ यूँ ही मेरी सांस ठहर जाए। और खुदा तो समझता है उखड़ते इस दर्द को हर पल, खुदा तो समझता है उखड़ते इस दर्द को हर पल, तो इलाज कर इस जख्म का इससे पहले कि ये नासूर में बदल जाए, इससे पहले कि नासूर में बदल जाए। और सुना है तुझे भी इस दर्द का मरहम बस इश्क लगता है, ध्यान देना सारे, सुना है तुझे भी इस दर्द का मरहम बस इश्क लगता है, तो फिर वो मासूम क्या करे जिसकी मोहब्बत ही मोहब्बत से मुकर जाए, कि जिसकी मोहब्बत ही मोहब्बत से मुकर जाए। और ये दुनिया जैसे सब लोग समझाते हैं ना कि भाई हो जाए, चलता है चलता, हो जाएगा सब जगह, तो उन्हीं के लिए है ये लाइन्स कि लोग बहुत तजुर्बे ज्ञान सलाह देते हैं खुद से खुद को संभालने का, लोग बहुत तजुर्बे ज्ञान सलाह देते हैं खुद से खुद को संभालने का, वो शख्स क्या करे कि जिसका आईना ही टूट कर बिखर जाए, कि जो वो शख्स भला क्या करे कि जिसका आईना ही टूट कर बिखर जाए। और मेरा क्या कसूर था क्यों मेरे यूँ हाथ छिल गए, मेरा क्या कसूर था, ध्यान देना इस लाइन पे सारे, कि मेरा क्या कसूर था क्यों मेरे यूँ हाथ छिल गए। और बड़ी अजीब है इंसानों को बनाने में कारीगरी तेरी, बड़ी अजीब है इंसानों को बनाने में कारीगरी तेरी, कि एक रूखे चेहरे से गुजर जाए उसे देखकर,
एक रूखे चेहरे से गुजर जाए उसे देखकर, तो दूसरा उस फूल की बस खुशबू से मचल जाए, दूसरा उस फूल की बस खुशबू से मचल जाए। और खुदा तू जानता है मेरे जहन की हर बात यूँ ही, खुदा तू जानता है मेरे जहन की हर बात यूँ ही, तो कर ले तैयारी अभी वक्त है, तो कर ले तैयारी अभी वक्त है, यूँ ना हो कि खुदा होके भी तू मेरे कुछ आम सवालों में उलझ जाए, यूँ ना हो कि खुदा होके भी तू मेरे कुछ आम सवालों में उलझ जाए। सो एटलीस्ट आई थिंक मेरे पास टाइम है, तो चलो लास्ट लाइन में कहता हूँ कि चार लाइन से मेरी, बीते वक्त की तुम एक तस्वीर बनाकर देखो, बीते वक्त की तुम एक तस्वीर बनाकर देखो, इश्क था तो उसमें रंगों को सजा कर देखो, और नज़र आ जाए उस तस्वीर में महबूब तुमको तुम्हारा, फिर उस तस्वीर को तुम अपने कमरे में लगा कर देखो, फिर उस तस्वीर को कमरे में लगा कर। थैंक यू।